हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग हो गई है और मैं अभी क्लास से आई हूँ। तो मैम अभी क्लास ले रही है, तो मुझे बच्चे कुछ बच्चे नए नए आ रहे हैं, तो सोची मैं अभी एग्ज़ाम उसका ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट बच्चे का लेना ज़रूरी है। फिर टेस्ट लेने के बाद हमें पता चलेगा कि टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन, जब हम मैम बनाई थी कंचन मैम क्वेश्चन बनाई थी, तो उसी का मैं प्रिंट आउट निकाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चे सबको दे और टेस्ट ले सके। तो डेली बच्चे आते हैं तो क्वेश्चन ख़त्म हो गई थी, इसलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ प्रिंट आउट निकल रही है सारे क्वेश्चन का। और ये नर्सरी क्लास के बच्चे के क्वेश्चन है, सारे बच्चे के क्वेश्चन है, LKG UKG 1 2 सारे बच्चे के क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे 20 कॉपी करके सारा क्वेश्चन निकाल रही हूँ। तो देख रहे हैं, इसमें दी हूँ मैं प्लेन पेज यहाँ पे दी हूँ, और ये इस तरह से प्रिंट आउट होकर के निकल रही है। एक तरफ हो गई है, इस तरफ अब होना बाकी है। तो पहले एक तरफ का मैं निकाली हूँ, अब दूसरे तरफ का इसमें देंगे फिर निकलेगा। ये अभी हो रहा है प्रिंट आउट, और एक तरफ का हो गया, अब दूसरे तरफ का हो रहा है। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे होता है, स्लो स्लो काम करता है, क्योंकि कलर में निकाल रहा है ना, इसलिए स्लो स्लो काम करता है। हाँ, निकल रहा है, मन का निकाली, कुछ भी नहीं बनाएंगे। और ये देखिए कंचन मैम आई है, आई है यहाँ पे, क्वेश्चन बना रहे थे बच्चों का, टेस्ट लेना है, इसलिए क्वेश्चन बना रही थी दूसरे क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैम क्वेश्चन बना के लाई है, जिसका भी प्रिंट आउट निकालना है। और दूसरी मैम है, अभी क्लास ले रही है, और सर भी हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। क्या नाम है? देवेशी है। तो जोर से बोलो, देवेशी। देवेशी, पढ़ाई करना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो ये मेरे क्लास की सबसे बदमाश बच्ची है, देखिए इधर देखो, भूख लग गई, तभी हुई लंच का टाइम, और इसे खाना है, खाना 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 है। चलो चलो, हाथ धो के खाना चाहिए ना, इसे क्या होता है, हाथ में कीटाणु होता है। अब देखिए, इतनी छोटी सी है, पता है इसको हाथ में कीटाणु होता है, हाथ धो के खाना खाना चाहिए। बोल दीजिए सबको, सबको बोल दीजिए कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता है? और ये हाथ में क्या लिखे हैं? पेन से? चलिए, आपको हाथ धोना है ना। तो अभी लंच का टाइम हुआ है, और सारे बच्चे लंच कर रहे हैं। और सर जी यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो बच्चे सबका टेस्ट हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ नए बच्चे आए हैं तो सारा एक में मिक्स हो गया था, तो उस दिन टेस्ट लिए थे, लेकिन फिर से क्लास आज अलग कर रहे थे, तो सोचे टेस्ट ले करके सारे बच्चे का फिर क्लास अलग करें। तो ये सर क्वेश्चन चेक किए हैं सभी बच्चे का, जो टेस्ट हुआ था नर्सरी LKG और UKG बच्चे का क्वेश्चन अभी टेस्ट हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट हुआ है, तो जिस क्लास के लिए बच्चे होंगे उस क्लास में उसे दिया जाएगा। और थोड़ी देर में अभी लंच, आधा घंटा का लंच होता है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बच्चे चले गए अब घर अपने अपने, और हम लोग बच गए हैं स्कूल में। ये रही मेरी कल्पना मैम, और ये कंचन मैम। कैसा गया मैम क्लास आज का? बहुत अच्छा, आज टेस्ट में ही पूरा दिन चला गया। आज बच्चे सबके टेस्ट में पूरा दिन चला गया, दो तीन टेस्ट हुआ है बच्चों का कल। हाँ, आप देखिए, सब प्रिंट आउट निकाल रहे थे, उसी सब बच्चे सबके लिए निकाल रहे थे, सब बच्चे का टेस्ट हुआ है। और ये सर हैं, सर कैसा गया आज का क्लास? अच्छा गया, सब ठीक रहा। तब थोड़ी देर में हम लोग भी घर निकलेंगे। भूख लग गई मैम आपको? नहीं लग गई, बच्चे इतना, बच्चे के पास मैम इतना बोलती है ना कि भूख लग जाता है, क्या गर्मी भी लग जाती है, लेकिन फैन है बहुत यहाँ पे, उड़ने लगती है पेपर सब, इसलिए अभी बंद करके रखे हैं।
अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे तो अभी टीवी सेट जो कैमरा के लिए जो टीवी आया था ना उसे भी अभी सेट करने के लिए आए हैं, तो मिस्त्री आए हैं सेट करने के लिए, वो अभी सेट करेंगे टीवी यहाँ पे, इसलिए हम रुके हुए हैं क्योंकि सारे सब तो चले गए हैं, हम तीनों मैम हैं और सारे हैं रुके हुए, तो उसके बाद अब 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं घर जाने के बाद आपसे। तो अभी हम आ गए हैं घर और हम लोग यहाँ पे खाना खा करके बैठे हैं क्योंकि घर आते ही भूख लग जाता है, तो हम दोनों पहले तीनों मैम जाते हैं पहले खाना खाने के लिए, तो स्कूल में हम लोग मैम बन जाते हैं घर आकर के। तभी सोने वाले हैं, एक तो सो गई, हम दोनों जगे हैं, हम दोनों को भी नींद आ रही है, लेकिन वीडियो भी एडिटिंग करना है मुझे, तो मैं तो वीडियो एडिटिंग करूँगी और ये सो जाएगी थोड़ी देर में, हमको पता है कि फेस से लग रहा है कि ये सो जाएगी। तो कैसा लग रहा है स्कूल में मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम बच्चों को पढ़ा रही है, तो पूछते हैं इनसे कि कैसा लगता है स्कूल में जा करके, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कैसे सुबह होता है, सुबह हम लोग 5 बजे उठते हैं और कैसे रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है, अब जब से स्कूल जाने लगे क्या पता चलता है टाइम का? पहले घर पे रहते थे, कितना भी काम रहे पढ़ाई रहे फिर भी कभी कभी बोरिंग जैसे लगता रहता था, बोर होते रहते थे, लेकिन जब से स्कूल जाने लगे पता ही नहीं चलता है टाइम का, कैसे टाइम बीत जाता है। तो इनसे आज आप सबसे बात करवाते हैं, बोलिए कुछ। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलेगी, बच्चे कितने परेशान करते हैं वही बता दीजिए। बहुत परेशान करते हैं, बहुत बोलना पड़ता है, एक एक बच्चे को कॉपी में लिखना, मतलब उसे सबको लिखना सिखाने के लिए कैसे लिखना है, बहुत बच्चों को कुछ तो पेन पेंसिल पकड़ा ही नहीं आता है, तो उन सबको बहुत दिक्कत होती है, एक एक कॉपी चेक करना, एक टीचर से एक क्लास में, अभी नर्सरी LKG का जो क्लास होता है ना उसमें 2 टीचर को रहना पड़ता है, एक से नहीं हो पाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे 1-2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, एक एक बच्चे को समझाना पड़ता है, तो उस सब में दिक्कत आती है, और छोटे बच्चे को अच्छे से मैम संभाल लेती है क्या? टीचिंग करने में अच्छा लगता है ना? हाँ, तो इनका नाम है, अपना नाम बताइए। कल्पना। तो आप सब इनसे इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, तो मैं उसमें बताई थी कल्पना मैम, तो इनका नाम है कल्पना। तो यहाँ पे मैम नहीं, घर आने के बाद मैम नहीं बोलते हम लोग, स्कूल में सब मैम बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे कल अगले ब्लॉग से, और कल मैं मॉर्निंग से ही दिखाऊंगी सुबह उठने के बाद कैसे काम स्टार्ट हो जाता है, वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो सुबह में क्या होता है ना जल्दी जल्दी सारा चीज़ करना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, तो आज हम स्कूल जाने के बाद बनाए क्योंकि लेट हो जाती है सबके लिए, नाश्ता खाना सब मिल के करते हैं फिर भी लेट हो जाती रहती है, क्योंकि 5 बजे हम लोग उठते हैं और 7 बजे ही स्कूल जाना पड़ता है, तो 2 घंटे में हमें सारा चीज़ करना पड़ता है, लेकिन कल का ब्लॉग हम मॉर्निंग में ही स्टार्ट करेंगे जब सो के उठेंगे तभी से, तो कल का ब्लॉग भी देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं पहले वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये भी मेरा एक काम है, वर्क है, डेली वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा भी लगता है, तो स्कूल से आने के बाद मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो देखिए हम कितना मेहनत करते हैं अपने सोने वाले टाइम में, जो मेरा रेस्ट करने का टाइम होता है उसमें वीडियो एडिटिंग करती है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में।